हेलो गाइस, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल्स। मैं सभी बच्चों का आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एडिशनलाइज डिनोमिनेटर के बारे में आज बताऊंगा। बच्चों, आपको पहले भी बताया हूं बच्चों, लेकिन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे कि आपको मैं बताया नहीं था बच्चों, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बच्चों, आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर करके आखिरी तक मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को देखें। और यदि बच्चों कोई भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आता है तो मुझे ज़रूर बताएं बच्चों, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर मुझे सूचित करें। और मैं बच्चों देखें बच्चों क्या इसमें कर रहा। माई नेम इज आर्यन सिंह, आई एम माई टीचर्स, आई लिव इन सिकरी कुलमऊ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसे दिया है बच्चों, तो इसको रेशनलाइज करना होता है बच्चों। यहाँ पे हमको इस वैल्यू को रेशनलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इस डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमको चेंज करना होता है, होल नंबर लाना होता है। तो बच्चों इसका रेशनलाइज होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान देना है बच्चों। पहले बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस, जहाँ पे प्लस है बच्चों वहाँ पे माइनस लेंगे, तो 5 माइनस हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 2 तो पहले से है ही बच्चों, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 एंड इनटू 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब ये हम लोग जानते हैं बच्चों कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूले को हम अप्लाई करना होगा, इस फार्मूले को ध्यान देना है बच्चों कि ये फार्मूले में क्या हमको सॉल्व करने क्या हम इसमें यूज करेंगे। तो 5 माइनस हो गया और 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे बच्चों क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बी के प्लेस पे 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 25 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 5 का स्क्वायर 25 और 3 अंडर रूट 2 बच्चों कैसे निकालेंगे, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको आप देख लें। 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2 होता है, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ पे होगा बच्चों 3 अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 18, और इस तरह से 15 में से 18 घटा देंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा, 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बाई 7 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा हो गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बच्चों आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें जिससे कि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो बने। और बच्चों मैं सभी जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें आपका, और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखें, तभी आप जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर समय आपको ये सोचना है कैसे हमारा जो भी चीज़ है हम कैसे जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम अच्छे कार्य करें। तो मैं बच्चों आपको इसी प्रकार का टिप्स फिर भी कल बताऊंगा बच्चों, और गुड नाइट, हैव नाइट, थैंक यू, आज टू वीडियो।